एशिया कप शुरू होने में अब बस कुछ ही दिनों का समय रह गया है, लेकिन एशिया कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने संन्यास की घोषणा कर दी है। जी हाँ, भारत की मेजबानी में होने जा रहे ICC विश्व कप से पहले पाकिस्तान टीम को झटका लगा है। एशिया कप और विश्व कप से पहले वहाब रियाज ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से संन्यास ले लिया है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट डालते हुए इस बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि वहाब रियाज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मैं पिछले 2 वर्षों से अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं के बारे में बोलता जा रहा हूं कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का मेरा लक्ष्य है, और मैं अब पहले से कहीं अधिक सहज महसूस करता हूं कि मैंने अपने देश और राष्ट्रीय टीम की सर्वोत्तम सेवा की है। वहाब रियाज के करियर की बात करें तो उन्होंने 27 टेस्ट, 91 वनडे और 36 T20 खेलते हुए 237 अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए हैं। उन्होंने आखिरी बार पाकिस्तान के लिए दिसंबर 2020 में क्रिकेट खेली थी। हालांकि वरिष्ठ तेज गेंदबाज ने हाल ही में इस साल मार्च में पाकिस्तान सुपर लीग खेला था, लेकिन अब वहाब रियाज फ्रेंचाइज क्रिकेट यानी कि विदेशी लीगों में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले करियर में वहाब रियाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में क्या क्या और कमाल करके दिखाते हैं। आपको बता दें कि वहाब रियाज अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। साल 2015 के विश्व कप में उन्होंने शेन वॉटसन को 154.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी। उस विश्व कप में वहाब रियाज ने शेन वॉटसन को लगातार छोटी गेंद कराते हुए उन्हें करारा जवाब दिया था, जिसकी वजह से गेंदबाज आज भी जाने जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।